ए कंपनी अकाउंटेंट एस्टिमेट्स दैट एयर फेयर्स नेक्स्ट ईयर फॉर बिजनेस ट्रिप ऑफ ए 1,000 miles और लेस विल इंक्रीज बाय 20% एंड एयर फेयर फॉर ऑल अदर बिजनेस ट्रिप्स विल इंक्रीज बाय 10%. दिस ईयर टोटल एयर फेयर फॉर बिजनेस ट्रिप्स ऑफ 1,000 miles और लेस वर 9,900 rupees एंड एयर फेयर फॉर ऑल अदर बिजनेस ट्रिप्स वर ₹13,000. अकॉर्डिंग टू द अकाउंटेंट एस्टिमेट इफ द सेम बिजनेस ट्रिप विल बी मेड नेक्स्ट ईयर एज दिस ईयर हाउ मच विल बी स्पेंट फॉर एयर फेयर नेक्स्ट ईयर. अब उसने दो ट्रिप्स लिए हैं 1,000 miles और लेस, तो इनकी एस्टिमेटेड यानी कि प्रोजेक्टेड इंक्रीज है 20%. और जो अदर बिजनेस ट्रिप्स होंगे यानी कि इस माइल्स के अलावा 1,000 और 1,000 से लेस के अलावा जितने होंगे उन पे 10% प्राइस बढ़ जाएगी. तो टोटल फेयर इस साल जो बना है वो 9,900 की फिगर है. और एयर फेयर फॉर ऑल अदर्स ये था 9,900 के जो कॉस्ट है वो है 1,000 और उससे लेस miles के ट्रेवलिंग के लिए, और जो उसके अलावा थे उनकी कॉस्ट आती है 13,000. अब इसने ये हमें बताया है कि 20% इंक्रीज आएगी किसमें, 1,000 और उससे लेस वालों में. तो 9,900 में इसमें चेंज कितनी आएगी, 20% की, 20% इंक्रीज कर दिया हमने. 1.2 इज इक्वल टू 20% इज इक्वल टू 20/100 और ओरिजिनली पहले 100 उसकी प्राइस थी, तो ये हो जाता है 120%. जब 20% प्राइस बढ़ेगी तो प्राइस कितनी हो जाएगी, 120%, ये इक्वल होता है 1.2. तो हमने 9,900 को 1.2 से मल्टीप्लाई किया यानी कि ये 20% प्राइस बढ़ गई. फिर 13,000 है, 13,000 की प्राइस उसने कहा कि 10% बढ़ती है, तो हमने इसे 1.1 से मल्टीप्लाई कर दिया क्योंकि 1.1 होता है 110/100 के, यानी कि जब 10% प्राइस बढ़ेगी तो 110% हो जाएगी, तो इसलिए हमने 13,000 का 110% लिया यानी कि 1.1 से मल्टीप्लाई कर दिया. तो ये आ गया 11,880, ये पहली फिगर्स के साथ आ गया. 20% जब इसमें इंक्रीज हुआ तो ये आ गया और ये इंक्रीज होकर ये अमाउंट आ गई. इन दोनों को हमने ऐड करना है ताकि टोटल चेंज मालूम की जा सके. 14,300 38162 2618 जो कि ऑप्शन बी में दिया गया, ये ऑप्शन ए, ये बी, ये सी और ये डी, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर है.